भाई लोग वो बॉय गैलेक्सी सीजन 2 के इशू 14 का कवर रिवील हो चुका है, वो भी वो बॉय के विंड एलिमेंट के लेवल 3 के साथ। तो वह लोग बक बक भाई बंद करते हैं और रिव्यू करते हैं पहले इस स्नेक पिक को और या फिर इस कवर फोटो के वीडियो को। तो वह लोग पहले से भाई एक वार्निंग या फिर एक डिस्क्लेमर की अभी भाई दोपहर के 3 बज रहे हैं और भाई लोग मैं अभी छत पे हूँ और भाई लोग मैं तुम लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ और भाई लोग सब लोग भाई सो रहे हैं इसलिए भाई लोग आवाज थोड़ा सा धीरे आ रहा है, पर भाई लोग मैनेज कर लो क्योंकि भाई लोग दोपहर पे तो मैं और चिल्ला के बातें नहीं कर सकता जैसे मैं रोजाना करता हूँ। तो भाई लोग पहले भाई देखते हैं भाई इंट्रो भाई ऑसम है भाई। अच्छा ओके भाई ठीक है देखता हूँ भाई। वो बॉय भाई गुस्से में आ गया है और भाई बहुत ही ज्यादा ताकत यूज कर रहा है और भाई लोग भाई वो धीरे धीरे भाई बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। भाई रुको जरा सब्र करो, उसने बोला कि भाई जो भी हो जाए मैं विंडारा को बचाऊंगा। तो मेरा विंडारा है एक प्लैनेट जिस प्लैनेट में कुपुत्री रहती है। तो ओके भाई लोग भाई लोग स्ट्रांग होते होते भाई डायरेक्टली भाई लेवल 3 पे आ गया वो भाई। ओके भाई लोग 28 जनवरी कॉमिक रिलीज होने वाला है मीन्स इशू 14 वो भाई गैलेक्सी सीजन 2 का। तो भाई लोग देखते हैं भाई फिर से भाई वेट करते हैं 3 दिन के लिए भाई। तो भाई लोग या भाई लोग हम लोग देख पा रहे हैं कि वो भाई जब टेम्पस्ट में बदल जाता है तब भाई वो भाई टी शर्ट पैंट जूता भाई सब कुछ ही बहुत ही मोटे मोटे होता जा रहा है। भाई लोग भाई वो भाई को क्या कोई गर्मी वगैरह नहीं लगता नहीं। पर भाई लोग यहाँ पे सिर्फ भाई वो बॉय टेम्पस्ट का आधा फोटो ही दिखाया गया है। तो भाई उसे भाई छोड़ो, आई होप कि भाई वो बॉय इसको भाई पहले एकदम लो एनर्जी में यूज करेगा बिकॉज भाई लोग वो बॉय पहली बार थर्ड लेवल या फिर इतने शक्तिशाली पावर को यूज कर रहा है इसलिए भाई लोग वो बॉय टेम्पस्ट को हाई एनर्जी में यूज करने गया तो वो बॉय संभाल नहीं पाएगा और भाई लोग ऐसा भी हो सकता है कि वो बॉय खेल ही ना पाए। हाँ भाई लोग मैंने ही बोला था कि वो बॉय हांग कासा से जब ट्रेनिंग लिया था उसके बाद से वो बॉय थर्ड लेवल को संभाल पाएगा बट भाई लोग पहली बार है ना और भाई लोग उसके बावजूद भी वो भाई ये वॉच थर्ड लेवल का ओनली मीडियम एनर्जी तक ही झेल पाता है इसलिए भाई लोग वो भाई हाई एनर्जी को यूज करने गया तो वो भाई का वॉच ब्लास्ट कर जाएगा और उसके साथ वो भाई भी। तो मेनली भाई वो भाई इसको एकदम लो पे यूज करेगा तो वो भाई का कुछ भी नहीं होगा सिर्फ थोड़ा सा बाद में जाकर मींस पावर यूज करने के बाद वो भाई कुछ घंटों के लिए थोड़ा कमजोर हो जाएगा पर भाई लोग उसके लिए खास कुछ दिक्कत नहीं होगा। तो भाई लोग आज के लिए सिर्फ इतना ही, अभी भाई लोग वेट करते हैं 28 तारीख के लिए। 28 तारीख के बाद भाई लोग मैं और एक वीडियो ले आऊंगा अबाउट वो बॉय टेम्पस्ट, मैं बोलूंगा वो बॉय टेम्पस्ट का एबिलिटी क्या है, अटैक्स कैसा है वगैरह वगैरह और ये भी बोलूंगा कि ये युद्ध क्यों हो रहा है। तो भाई मेनली भाई हगिन देर से पहले वो बॉय बवंडर ले आ चुका है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय बाय। जो भी हो जाए मैं विंडारा को रक्षा करके रहूंगा। बवंडर